अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर गुड एट योर होम एंड डूइंग वेल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। और अगर मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें क्योंकि उसमें आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे लिंक मौजूद है। और हम जो है वो 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने मेरे ज्योमेट्री के लास्ट वीडियोज नहीं देखे तो यहाँ ऊपर जो है आई बटन पर आप लोग क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। सो हम जो है मुतशाबिहत सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे, सिमिलैरिटी चैप्टर हमारा चल रहा था। 1.1 वर्ष हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो लेट्स मूव अहेड टू 1.2। अब हम देखेंगे यहाँ पर चार जो मसले दिए गए हैं मश नंबर 1.2 के, पहले उसको पहले देख लेते हैं कि इसका क्या हल है, इसका सबूत क्या है। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम इसमें देखेंगे कि मुसलस दिया गया है और एक बड़े मुसलस ए बी सी को जो है वो दो नुक्ता सी पी और बी क्यू जो अलग अलग मुसलस में जो है वो इसको तकसीम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुसलस ए पी क्यू, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या है कि एरिया ऑफ जो मुसलस के एरिया यानी कि रकबा अगर इनका मुतमासिल हो तो इनके नज़ीरी अजला भी मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मुसलस ए पी क्यू इसका रकबा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एरिया ऑफ मुसलस ए पी क्यू यानी कि ए पी क्यू का रकबा बटे एरिया यानी कि रकबा मुसलस पी क्यू बी का। पी क्यू भी दिखाई दे रहा है रेड से जो बना हुआ है, मुसलस पी क्यू बी का, पी क्यू बी ये किसके बराबर है, मुसलस एरिया ऑफ मुसलस ए पी क्यू यानी फिर से जो येलो मुसलस दिया हुआ है उसका एरिया जो है वो बराबर है एरिया ऑफ मुसलस पी क्यू सी के, पी क्यू सी के। तो यहाँ पर इस मसले में क्या है कि अगर इनके रकबे मुतमासिल हो गए इन मुसलसों के तो इनके जो नज़ीरी अजला हैं जो ज़िले हैं वो भी मुतमासिल होंगे। तो ए पी क्यू येल्लो जो दिख रहा है उसका ज़िला क्या है, ए पी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी बटे दूसरा जो बी क्यू बी मुसलस है रेड कलर का उसका ज़िला क्या है, पी बी। यहाँ पर ए पी क्यू में येल्लो वाले मुसलस में उस तरफ हमने नज़ीरी अजला ए पी लिए थे, अब यहाँ पर ये पी क्यू सी के साथ में है तो हम यहाँ पर अजला लेंगे ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये जो है वो मुतनासिबत का बुनियादी मसला है कि अगर इनके रकबे मुतमासिल होंगे तो इनके नज़ीरी अजला भी मुतमासिल होंगे। अब हम देखते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खत एल जो है वो मुसलस ए बी सी को दो नुकात पर कता कर रहा है नुकता पी और क्यू पर। तो नुकता पी और क्यू यानी ये क्या हो गया, ये कता जो पी क्यू है वो मुतवाजी है जिला बी सी के, दोनों सामने हैं तो यानी मुतवाजी होंगे। तो अगर ये दोनों मुतवाजी होंगे तो ये दो नुकात जो इस मुसलस को दो अलग अलग नुकात पर कता कर रहे हैं उनसे जो जिले बनेंगे वो भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो ए पी बराबर होगा पी बी के और ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के। तो हम ये लिख लेते हैं कि कता पी क्यू मुतवाजी है जिला बी सी के। तो ये मुतवाजी होंगे तो इसका क्या होगा, अक्स क्या होगा, इनसे ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे मुसलस के जाविये के नासिब की खसूसियात। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुसलस ए बी सी इसमें जो है वो एक जो खत जो है वो कता ए सी को नुक्ता डी पर कता कर रहा है। यहाँ पर देखो दो निशानदेह कीजिए, दो छोटे छोटे सर्कल बने हुए दायरवी, तो ये क्या है, शुआ की निशानी है। इस तरह की अगर कोई निशानी मुसलस में दी गई है इसका मतलब यहाँ पर मुसलस के जाविये के नासिब की खसूसियात का इस्तेमाल करना है।
और इसका इस्तेमाल जो है मच नंबर 1.2 में जो है वो सवालात इस पर ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें ये बीडी क्या है, शुआ है। अब ये शुआ कहाँ से निकल रही है, जाविया बी से निकल रही है। जाविया बी का पूरा नाम क्या है, ए बी सी। तो अगर ये शुआ जाविया ए बी सी की शुआ बीडी है जो कता को ए सी को नुक्ता डी पर कता कर रही है, तो जिस कता को ये कता कर रही नुक्ता डी पे उसको छोड़कर बाकी के जो इस मुसलस के दो जिले हैं यानी ए बी और बी सी वो बराबर होंगे ए डी बटे डी सी के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं के शुआ बी डी जाविया ए बी सी का नासिफ है। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, इस पर भी हमको आधे मार्क्स है। ठीक है, के शुआ मुसलस के जाविये के नासिफ की खसूसियात हम इस्तेमाल करें और ये कौन सी शुआ किस जाविये से निकल रही है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे बी सी, यानी जो शुआ जिस सामने वाली खत को कता करे उसको छोड़कर जो दो जिले हैं जो दो कते हैं वो एक दूसरे के तनासुब में होंगे, और जिस खत पर जिस कते खत पर वो कता कर रहा है शुआ उसके जो दो मसावी हिस्से हैं। तो हम सबसे पहले ए बी हमने लिखा है तो ए डी लिखेंगे, इसके सामने हमको ए डी लिखना है, बटे उसके बाद में बी सी है तो हमको यहाँ पर लिखना है डी सी। तो ये इसके मुसलस के जावे के नासिब की खसूसियात है। अब हम तीसरा देखेंगे यहाँ पर के तीन मुतवाजी हाइल कता। अब यहाँ पर और यहाँ पे तीन खत दिए गए जो एक दूसरे के मुतवाजी एक दूसरे के सामने है, तो अगर ये तीनों खता तीनों खत जो है वो एक दूसरे को खत एल को जो है वो नुक्ता ए पे कता कर रहे हैं, बी पर कता कर रहे हैं और सी पर, और खत एम को ये एक्स और वाई नुक्ता एक्स नुक्ता वाई और नुक्ता जेड पर कता कर रहे हैं, तो जब ये तीनों खत एक दूसरे के मुतवाजी होंगे तो ये जो नुकात जिसपे वो कता कर रहे हैं जिनसे कता बनता है या जिला बनता है वो भी एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, यानी ए बी बराबर होगा बी सी के और एक्स वाई बराबर होगा वाई जेड के। तो ये तीन मुतवाजी हाइल कतात का जब मसला हम इस तरह की शक्ल देखेंगे तो वहाँ पे वो मसले का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि यहाँ पर कौन से तीन खत जो है वो मुतवाजी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि खत ए एक्स मुतवाजी है, खत बी वाई के मुतवाजी है, खत सी जेड के। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लिखेंगे के ए बी बटे बी सी बराबर है एक्स वाई, ए बी के सामने एक्स वाई है यहाँ पर और बी सी के सामने क्या है वाई जेड है, ये भी एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। ठीक है, तो इसमें मच नंबर 1.2 में इन चारों मसलों का इस्तेमाल करना है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको मच नंबर 1.2 जो है वो हल करने में आसानी हो। अब हम देखेंगे मच 1.2। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, ज़ेल में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई है, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ पी एम है। ठीक है, अब हम पहली शक्ल देखते हैं, शक्ल क्या दी गई है यहाँ पर, पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम देख रहे हैं कि कोई खत जो पी एम है जो क्यू आर को नुक्ता एम पर कता कर रही है, तो हमको ये देखना है साबित करना है कि क्या ये पी एम जो है वो जाविया पी क्यू आर या जाविया क्यू पी आर की नासिफ है या नहीं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम कौन सी खसूसियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की शक्ल रहती है कि कोई खत जो है वो मुसलस के एक कता को किसी नुक्ते पे कता कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको जाविये के नासिफ का की खसूसियात को इस्तेमाल करना है। तो हम पहले सबसे पहले लिखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या किस का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मसले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियात की बिना पर। ठीक है, मसला हमने पढ़े थे, याद होगा आपको इसके पहले के जो जहाँ पर शुआ जिस खत को जिस कता को कता कर रही है उसको छोड़ के उसके अलावा दो जिले हम लेंगे, तो क्या है वो दो जिले पी क्यू और पी आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बटे पी आर
बराबर है अब पी क्यू से और पी आर, इसके अलावा जो नुक्ता एम पे कता कर रही है क्यू आर को, उसके हिस्से लेना है हमको, दो अलग अलग जो जिले कते बन रहे हैं, तो क्या है वो क्यू एम बटे एम आर, क्यू एम बटे एम आर। अब देखो शक्ल में इसकी कीमत दी गई है, पी क्यू की कीमत है 7 और पी आर की कीमत है 3, क्यू एम की कीमत है 1/3/5 और एम आर की कीमत है 1/5। 7/3 को हम मजीद और तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि हमको अशारिया में जवाब नहीं लाना है। अब यहाँ पे अशारिया है उसको हटाना है, तो जो शुमार कुनिंदा में अशारिया है अगर वो हम हटाते हैं तो 1 सिफर अशारिया एक अदद के बाद है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर नसब नुमा में 1 सिफर बढ़ाएंगे। इसी तरह से अशारिया यहाँ भी एक अदद के बाद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको भी 1 अशारिया हटाएंगे तो ऊपर जो है वो 1 सिफर बढ़ा देंगे। तो ये 10 और ये 10 कट गया, 5 7 35 और 5 3 15। तो हम यहाँ पर देखेंगे 7/3 बराबर है 7/3 के, यानी ये दोनों साबित हो गया कि पी क्यू बटे पी आर बराबर है क्यू एम बटे एम आर के। तो अगर ये मुतमासिल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस बिना पर शुआ पीएम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है। ठीक है, ये हमको साबित करना था, मुतमासिल है इसलिए 7/3 बराबर है 7/3 के, तो इस बिना पर शुआ जो पीएम है क्यू पी आर की नासिफ है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरे सवाल में भी दिया गया है मुसल्लस, क्या दिया गया है यहाँ पर मुसल्लस पी क्यू आर, यहाँ पर भी पी एम जो है वो बताना है कि मुसल्लस पी क्यू आर की या क्यू पी आर की नासिफ है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एम कौन से कता को कता कर रही है नुक्ता एम पर, आर क्यू को, तो उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा लेंगे आर पी बटे पी क्यू, पी क्यू बटे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सी खसूसियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे कि मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खसूसियात की बिना पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से मुसल्लस दो अजला कौन से हैं, पी आर बटे पी क्यू, पी आर से कनेक्टेड क्या है, जुड़ा हुआ क्या है वहां पर आर एम उसके सामने, तो उसके सामने हम लिखेंगे आर एम बटे उसके क्या है आगे एम क्यू, तो ये हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे इसकी कीमत क्या दी गई है, पी आर की कीमत कितनी दी गई है 7/10 और आर एम की कीमत कितनी दी गई है 6 और एम क्यू की कीमत है 8। 7/10 को हम तकसीम नहीं कर सकते, यहाँ पे 6/8 को हम तकसीम करेंगे, 2 3 6 2 4 8, तो यहाँ हमको जवाब मिला 7/10 बराबर 3/4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों मुतमासिल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग कीमतें आई हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 7/10 बराबर नहीं है 3/4 के। तो अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये भी मुतमासिल नहीं है, पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम क्यू मुतमासिल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एम जो है वो जाविया क्यू पी आर की नासिफ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ नहीं है।
ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी हमको वैसे ही हल करना है, सेम उसी तरह से साबित करना है कि शुआ पीएम जो है वो जाविया क्यूपीआर की नासिफ है या नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास शक्ल दी गई है पीक्यूआर, यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएम जो है वो आरक्यू को कता कर रही है, तो जिसको नहीं कता कर रही वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना है कि मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खसूसियात की बिना पर, ये लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे नहीं तो। तो मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खसूसियात की बिना पर, ठीक है। तो हमने जैसे दो सवालात में लिए, क्या लेंगे यहाँ पर भी, पी आर बटे पी क्यू बराबर है पी आर बटे पी क्यू, पी आर के आगे से कनेक्टेड क्या है आर एम, तो उसके आगे लिखेंगे हम आर एम और बटे पी क्यू से जुड़ा हुआ क्या है एम क्यू, यहाँ पर लिखेंगे एम क्यू। इसको ऊपर नीचे नहीं लिखना है वरना हमारा जवाब गलत हो जाएगा। 10 बटे इसकी कीमत है 10 और पी क्यू की कीमत है 9, आर एम की कीमत कितनी है 4/3.6, ठीक है। 10/9 को हम तकसीम नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रख देंगे क्योंकि दोनों कोई भी पहाड़े में एक साथ नहीं आते। 4 अब यहाँ पे अशारिया बटे में एक के बाद है, तो हम क्या करेंगे ऊपर एक सिफर बढ़ाएंगे यानी कि 10, और नीचे आ गया है हमारे पास 36, 4 × 4, 4×9=36। अब यहाँ पर हमको क्या मिला, 10/9 बराबर है 10/9 के, इसका मतलब यह है कि पी आर बटे पी क्यू बराबर है आर एम बटे एम क्यू के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है। यहाँ पर ये मैच नंबर 1.2 के पहले का तीन सवाल थे जो जाविये के नासिफ की खसूसियात पर मंबी थे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से समझिए और मसलों को भी अच्छी तरह से याद कीजिए। सो गाइज, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।